सभी आईपीएल के ऑक्शन से पहले ना ट्रेड विंडो नामक एक ऑप्शन रहता है कि सभी खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को ना ट्रेड कर सकता है। तो ट्रेड में बेसिकली क्या होता है कि दोनों टीमों के बीच में नेगोशिएशन होता है और वो एक खिलाड़ी के बदले में या फिर पैसा ले लेता है या फिर खिलाड़ी के बदले में खिलाड़ी ले लेता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था जब दिल्ली कैपिटल्स में हर्षल पटेल था और हर्षल पटेल को ट्रेड करके लिया था आरसीबी ने, अपने टीम में शामिल कर लिया था और उसके बाद हर्षल पटेल एक अलग लेवल का हर्षल पटेल देखने को मिला था। तो ये था ट्रेड विंडो वाला टोटल टॉपिक जो कि पहले बहुत बार लागू हो चुका है। तो इस साल मतलब 2023 में भी ट्रेड विंडो लागू हो सकता है। और ट्रेड विंडो में ना मैं अगर बेसिकली बताऊँ तो बहुत ही बड़ा बड़ा नाम ना जाने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड भी हो सकता है। मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि कौन कौन सा 6 खिलाड़ी ऐसा है, मतलब भारतीय खिलाड़ी का मैं नाम बताऊँगा कि कौन कौन सा 6 भारतीय खिलाड़ी ऐसा है जो कि ट्रेड हो सकता है किसी और टीम में। देखो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि ये ट्रेड वाला खिलाड़ी ना बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है लेकिन उनके टीम की ओर से ना उनको जगह नहीं मिलता है, लेकिन और अगर टीम में जाता है ना तो बेहतरीन तरीके से उनको जगह मिल सकता है। तो इसी की वजह से ट्रेड किया जाता है किसी भी खिलाड़ी को। मतलब ट्रेड किया जाना इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब खिलाड़ी है, मतलब बेहतरीन खिलाड़ी है लेकिन जगह नहीं मिल रहा है रिसेंट टीम में, तो इसकी वजह से वो अलग टीम में जाएगा और जिस टीम में उनका जरूरत है उस टीम की ओर से खेलेगा। ये होता है ट्रेड विंडो का मेन मतलब, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं 6 खिलाड़ी का नाम बताऊंगा कि 6 कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है जो कि कौन कौन सा टीम में जा सकता है उसके ऊपर भी प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। और अगर मेरे चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो एडी क्रिकेट न्यूज। अगर मेरा ये सब वीडियो आप सभी लोगों को थोड़ा सा भी कहीं से भी थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो भाई आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब करने में क्या हर्ज है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस खिलाड़ी का नाम बताना चाहूंगा ना, ये खिलाड़ी है पंजाब किंग्स का शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि देखो शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं तो शाहरुख खान को 9 करोड़ देकर खरीदा गया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ना आने के दौरान या फिर अगर बताए कि जगह ठीक ठाक ना मिलने के दौरान, क्योंकि देखो इस टीम में मतलब पंजाब किंग्स की टीम में आप ऊपर से देख सकते हो कि शिखर धवन है, जॉनी बेयरस्टो है, लियम लिविंगस्टोन है, मयंक अग्रवाल है, उसके साथ जितेश शर्मा बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहा था। तो ये सब खिलाड़ी को जगह देने के दौरान ना मतलब पंजाब किंग्स लिटरली शाहरुख खान को जगह नहीं दे पा रहा था, तो इसी की वजह से उनको ट्रेड किया जा सकता है या फिर उनका सहमति हो सकता है कि वो ट्रेड करके और अलग टीम में जाए। तो उस जगह पर खिलाड़ी को अगर ट्रेड किया जाता है तो कौन कौन सा टीम इनके ऊपर जाने वाला है, तो मैं बेसिकली बताऊंगा कि एसआर यानी सनराइज हैदराबाद इनके ऊपर जा सकता है, क्योंकि हैदराबाद को नीड है कि एक लोअर ऑर्डर में बेहतरीन खिलाड़ी चाहिए, तो हैदराबाद इनके ऊपर जा सकता है। उसके साथ मैं बताऊंगा कि सीएसके भी इनके ऊपर जा सकता है, क्योंकि सीएसके भी ना 2022 के ऑक्शन में भी इनको टारगेट कर रहा था। तो अगर ट्रेड खिलाड़ी की बात करें ना तो इन दोनों टीम ना शाहरुख खान के पीछे जा सकता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि देखो ऑक्शन में अगर जाएगा बहुत रकम वापस से उठेगा, ठीक है। अगर ट्रेड में शाहरुख खान भी मान लेता है और अगर टीम के साथ भी अच्छा खासा बात हो जाता है तो ट्रेड हो सकता है, ये एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम बताऊंगा वो खिलाड़ी है ना एसआर यानी सनराइजर हैदराबाद का अब्दुल समद। मैं लिटरली बताना चाहूंगा कि अब्दुल समद एक बहुत ही बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा है एसआरआई यानी सनराइज हैदराबाद के टीम में। और अगर ये खिलाड़ी और किसी भी टीम में जाए ना तो इनको फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में जगह मिल सकता है, जैसा कि मैं बताऊंगा कि सीएसके भी इनके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। देखो सीएसके को लोअर ऑर्डर बैटर का नीड है, शाहरुख खान के ऊपर भी जा सकता है, अगर शाहरुख खान को ना मिल पाए तो अब्दुल समद के ऊपर जा ही सकता है, इसमें कोई भी बताने की बात नहीं है। और उसके साथ ना मैं दिल्ली का भी नाम लेना चाहूंगा कि दिल्ली भी इनके ऊपर जा सकता है, तो दिल्ली का भी नीड है कि उनको एक लोअर ऑर्डर बैटर चाहिए, जैसे कि 5 नंबर पे खिलाड़ी के तहत, तो उस जगह पर मतलब ऋषभ पंत के बाद 5 नंबर पे अगर अब्दुल समद रहता है तो क्वालिटी दे पाएगा, ठीक है। तो ये 2 टीम है जो कि अब्दुल समद के ऊपर जा सकता है, जो कि अब्दुल समद को ट्रेड करके अपने टीम में शामिल कर सकता है। इसके ऊपर आप सभी लोगों का क्या राय होगा वो कमेंट पर बताना, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा वो खिलाड़ी है रियान पराग। ये खिलाड़ी एक आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम में ना ये खिलाड़ी उतना कारगर साबित नहीं होता है, लेकिन ये खिलाड़ी को अगर ट्रेड करता है राजस्थान रॉयल्स ना तो इस खिलाड़ी को मैं बताऊंगा कि देखो डीसी ही टारगेट कर सकता है, क्योंकि उनको ही 5 नंबर के खिलाड़ी के तहत एक नीड रहता है, ठीक है। इसी ही ना इनको ट्रेड कर सकता है, क्योंकि 5 नंबर पे खिलाड़ी के तहत डीसी अब्दुल समद या फिर इस खिलाड़ी यानी रियान पराग के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से रियान पराग के ऊपर भी ना मैं बताऊंगा कि डीसी टारगेट कर सकता है या फिर ट्रेड विंडो के तहत उनको ले सकता है, ठीक। इसके ऊपर क्या रहते हैं वो जरूर से कमेंट कर बताओ, लेकिन
आरआर क्या उनको छोड़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क वाला चीज है, क्योंकि आरआर आई थिंक उनको नहीं छोड़ेगा, अगर छोड़ता है या फिर ट्रेड करता है तो डीसी को कर सकता है, ये एक बेहतर ऑप्शन बनेगा। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेने जाऊंगा ना, वो खिलाड़ी है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ना बेसिकली सीएसके की ओर से खेल रहा है, लेकिन रॉबिन उथप्पा को ना ठीक ठाक चांस नहीं मिल रहा है सीएसके की टीम में, क्योंकि वो एक ओपनिंग चॉइस बैटर है, लेकिन सीएसके के पास ना ओपनिंग चॉइस कॉम्बिनेशन बन गया है, तो इसी वजह से रॉबिन उथप्पा को ओपनिंग में नहीं खिला पा रहा है, तो उस जगह पर रॉबिन उथप्पा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि रॉबिन उथप्पा का जो क्वालिटी है ना वो हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ऐसे एज में आकर ऐसे तरीके से अगर कोई भी खिलाड़ी खेलता है ना तो उनको ना पर्याप्त चांस मिलना चाहिए, तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि अगर केकेआर उनको ट्रेड करता है तो केकेआर के लिए बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि बहुत सालों से केकेआर के लिए खेल भी चुका है रॉबिन उथप्पा, लेकिन इस टाइम में केकेआर को चाहिए एक बेहतरीन ओपनर जो कि राइट हैंड बैटर हो और तबाही तरीके से बल्लेबाजी करे, तो उस जगह पर बेहतरीन तरीके से फिट होता है रॉबिन उथप्पा, और अगर रॉबिन उथप्पा को ट्रेड किया जाता है तो केकेआर के लिए फायदा बनेगा। और एक बात मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मतलब ये जो मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ ना, ये पूरा प्रेडिक्टेबल है मेरे तरफ से, क्योंकि मैं प्रेडिक्ट किया हूँ कि यही हो सकता है, और आप लोग ना बाद में आकर नहीं बताएंगे कि भाई ये सब नहीं हुआ, आप क्या ही बता रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ कि ये सब प्रेडिक्शन है, ये सब अगर होता है तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेड विंडो एक खुलने वाला है, तो इसकी वजह से ये खिलाड़ी का ये टीम में जाने का चांसेस है, इसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेने जाऊंगा ना, वो खिलाड़ी है चेतन शकारिया। तो चेतन शकारिया को भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ना चेतन शकारिया जैसा क्वालिटी खिलाड़ी को उतना चांसेस नहीं मिल रहा है, तो इसी की वजह से मैं भी चाहूंगा कि भाई चेतन शकारिया ट्रेड हो, और कौन कौन सा टीम उनको टारगेट कर सकता है ट्रेड विंडो पर, सबसे पहले नीड रहेगा आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स के तरफ से, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ना चेतन शकारिया के साथ एक बॉन्डिंग पहले से बना चुका था, और जो कि थोड़ा सा तो टूटा है, लेकिन वापस से राजस्थान रॉयल्स चाहता है कि ट्रेड विंडो के तहत राजस्थान रॉयल्स के टीम में शामिल हो जाए वापस से चेतन शकारिया, तो राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। और उसके बाद ना मैं बताऊंगा कि गुजरात टाइटन्स भी चेतन शकारिया के ऊपर जा सकता है, क्योंकि गुजरात को ना एक भारतीय बेहतरीन क्वालिटी तेज गेंदबाज चाहिए जिनका एज थोड़ा सा कम हो, तो चेतन शकारिया उस पोजीशन पर भी फिट बैठता है, तो ये दो टीम चेतन शकारिया के ऊपर जा सकता है ट्रेड विंडो पर, ठीक है। आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय दे रहे हैं जरूर से कमेंट करके बताओ। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा वो खिलाड़ी है कार्तिक त्यागी ऐसा रिचनी सनराइजर हैदराबाद के ओर से खेल रहा था रिसेंट टाइम में, लेकिन 2022 में ना इनको ज्यादातर चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके टीम में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, आप भुवनेश्वर कुमार को देख लो, उसके साथ टीनर राजन उमरन मल्लिक को देख लो, लेकिन कार्तिक त्यागी के पास भी ना क्वालिटी है, तो उस जगह पर मैं चाहूंगा कि कार्तिक त्यागी को कोई भी टीम ट्रेड करके अपने टीम में शामिल करे और उनको खिलाए, रेगुलर चांस मिले उनको, ठीक है। तो उस जगह पर मैं जिस दो टीम का नाम ले जाऊंगा वो दो टीमें सबसे पहले आता है केकेआर, क्योंकि केकेआर ना शिवम मावी को उतना बेहतरीन तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत पिटाई खा रहा है, विकेट भी नहीं चटका पा रहा है, लेकिन कार्तिक त्यागी के पास ना वो विकेट चटकाने वाला क्वालिटी भी हमको देखने को मिला था 2022 में, उसके साथ गेंदबाजी भी बेहतर करता है, तो केकेआर उनके पास जा सकता है। उसके साथ मुंबई इंडियंस को भी ना एक बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी चाहिए जो कि तेज गेंदबाजी करे, क्योंकि बुमराह के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, और कोई भी भारतीय खिलाड़ी के साथ जैसे कि उनतकड़ है, बिसल थम्पी है, ये भाई क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, लेकिन कार्तिक त्यागी क्वालिटी दे सकता है, तो उस जगह पर केकेआर और मुंबई कार्तिक त्यागी के ऊपर जाएगा ट्रेड विंडो पर। तो आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय देना है जरूर से कमेंट कर बताओ। तो ये था मेरा टोटल वीडियो जो कि मैं आप सभी लोगों के सामने बताया कि कौन कौन सा खिलाड़ी कौन कौन से टीम में ट्रेड विंडो के तहत या फिर ट्रेड करके जाने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसके ऊपर क्या राय देना है वो कमेंट में बताना। और एक बात कि अगर आपको कोई भी टीम का टारगेटेड लिस्ट 2023 में क्या हो सकता है उसके ऊपर जानना हो ना तो आप ये वाला वीडियो जाकर देखो, बहुत ही बेहतरीन एक प्लेलिस्ट इधर पर मैं लगा दूंगा, लगभग सभी टीमों का टारगेटेड लिस्ट के बारे में इधर एनालिसिस किया हुआ है, कुछ टीमों का नहीं किया है वो भी मैं डाल दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।